यार मारे मसलाम अलैकुम की हाल चाल ने साडे तमाम भैन भाई अल्लाह ताला दे फजल ते करम ना असी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो जेडे साडे भैन भाई साडे चैनल ते नवे ने या पुराने जने साडे चैनल सबसक्राइब नहीं कीता होया या घंटी वाला बटन दबा प्लीज साडे चैनल सबसक्राइब कर लो ते घंटी वाला बटन दबा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भाइयों, कैसे उम्मीद करने के मेरे तमाम भैन भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो, समय मिला फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो आप जहाँ भी रहो खुश रहो आबाद रहो हंसते रहो तो मुस्कुराते रहो, मारनी ढेर सारी डॉक्टर के साथ हमें रखना दो में यार। ते चलो शायद अवला करने हैं स्टार्ट। तुम सोच रहे होगे कि हसन सुबह सुबह ए किधर आया फिरदा हैगा, स्कूलों में छुट्टी की थी सीगी क्योंकि जे दरवाजे बड़े छोटे लेके आए सी ना अम्मी होरी वो जाके चेंज करने आन गए ते उन्हां शहर साडे को नहीं सीगा, फिर मैं आ गया चाचू मिस्त्री हले क्योंकि इन्हां को नहीं आ छुट्टी कराई, इन्हां ने सुबह पूछे सीगा काम करना है कि नहीं, फिर जिन्हां दे घर च आके बैठे नेगे उन्हां दे दरख्त वगैरह सीगे वो छांगन लग गए नेगे, तो हुण चाचू जान चलो सानू ना सहज कर दिओ, बाकी रिक्शे वाला भी आया खोता हैगा बस मेरी इंतजार खोता है असं जाना है इतों इन्हों को नाल लैके साढ़ी इंची टेप सी मिल नहीं रही, पता नहीं घर कितने गुम हो गई नहीं तो मैं खुद ही माप लेने से, बाकी हम चक लेंगे इंची टेप फिर चलने। वाह छोटे ने काम से लाए हुए मिस्त्री आ रहा है इंची टेप पहले मैं उन्हें चक ली है, चलो अगे दादी चंगी ड्यूटी लग गई करो काम। चाचू रिक्शे वाला साढ़ा ही इंतजार कर रहा है तो हम चाचू मिस्त्री कच के देंदा है ना फिर चलने आ। तो दरवाजे तीन ही तब्दील करने नहीं गए, इन्होंने दरवाजे व्डे सीगे तो अंदरला छोटा है ए वाला तो पूरा आ जाएगा वाशरूम ओनी बनना है उन्होंने लग जाएगा, लिख के दे दो मैं एक मिनट है ना कापी पेंसिल। सताई चौड़ाई है ते जेड़ा 74 लंबाई है ये दो दर पल्ले होने ठीक है ना, हां 42 जरा 81 42 चौड़ाई है एक कोना बड़ा ते ए 81 इंच जड़ी है ना ए उना दी लंबाई है ए एक अदा दे लेना है ए तीन पल्ले तुसी लेने हैं ठीक है। चलो ठीक हो गया फाड़ के दे दियो ना मेनू, बाकी हुन फिर जे पल्ले नेगे बाहर चक के रिक्शे दे रखने आ, ए जेड़े नेगे दो छोटे लेने सीगे एस साइज दे होने सीगे लेकिन बड़े ले बैठे हो हुन इन्हां नु चेंज करके छोटे ले आवांगे, बाकी मैं भी चक लेना हो गया हम जा लोड कराते नहीं गए तो कल असं दरवाजे चेंज करन नहीं जा रहे, उतो टैलों वगैरह जो रहा नहीं लगन वाली वह भी लैनिया ने गियाँ तो बाउंड वगैरह और लैन है चलते नहीं गए अगे, तो बाकी वापसी तो दानक सरप्राइज ही देवे इस विलाग नहीं अगले ही देवे चीज़ा ना सारे चाचू मिस्त्री लाया तो जिक्र भी उन्होंने बड़े दिनों तक तू कर रहा है कि वह लैनिया नहीं गिया किसी ने पैसे भेजे ने तुम दस देव, तो चलने हूँ फिर मैं तो हम बंजर मोटरसाइकिल ही मिल गया है क्योंकि उन्होंने वापस ले लिया अपना मोटरसाइकिल इनकी हालत सारे शाख वगैरह जिन्हें ने उन्होंने तोड़ के मैं दिता इन्हें वालत अम्मी जान उन्होंने मैं दिता सी ले वो लेकिन कोई बात नहीं आपे ब्रेक वगैरह कोई नहीं समझ लो कि वैसे ही ना जाल मोटरसाइकिल है ब्रेक थले वाली डींगी जी हो चली अम्मी जाना जो तो मेन रोड पर ही असं आ गए चाचू रिक्शे वाला बोल के अबू जान की दुकान चला गया सीगा। लेकिन हूँ आया है फोन करके उन्होंने इधर सदवाया है उधरों मैं लगता मामू जान नाल लवन चले गए थे लेकिन अम्मी जान ने कहा फिर मैं नाल चली जानी हाँ क्योंकि फिर पिछले अबू जान दुकान तो कले आएंगे तो इधर जोड़े ने गे चुप ला रहे ने गे भाई दवाणी के थले दन कल भी समझाया सुराख वगैरह करके नवे चोपे लाते नहीं गए छापर पा के ना उतो फिर सिलेंडर नो नाली जी बनी होंगी अगे धोते हैं सुराख करते हैं उस तो बाद चोपे लाते हैं तो इधर नाल जड़े ने ना सरिए जे होंगे ने छोटे छोटे ये ला रहे ने गे इन्हें उत्ते जिम्मे सामने छापर पाया हुआ इस तरह छापर पा देवे तो जी तुम मैं लेबर दिखाई है कि ये सारे ही साढ़े पिंड के सी इन एक दो मेरे दोस्त भी सी और मैं बाद पता लगे है जो मैं आवन लगे आ गया इतने दरिया रावी से जी अं आ गए आगे तो वेख सकते हो तुम इतने हूँ ना और कोई नहीं इन्होंने फसल कटी कोई बेच किधरे किधरे इन्होंने गन्ना लाया हुआ है नहीं तो सारी मक्की या गंदम इन्होंने बीजी हुई है गंदम तो अभी तक छोटी छोटी है जी माशाल्लाह फसल हाँ इतों मक्की की कटी गई फसल तो हूँ गंदम बीजी हुई है गंदम मतलब कि जोड़ा कनक पंजाबी जी कनक कहते हैं तो इस सैड से एवं तौर पर गंदम से वेख सकते हो मक्की वो पिछे बहुत ज़्यादा लाई हुई थी उन्होंने अभी तक खाधी नहीं है तो यह कमान तुम मैं कदों ला दो खान लगे आगे गन्ने की फसल जो मैं दरिया बहुत ज़्यादा पानी आया छोटा छोटा हूँ कटाई शुरू हो गई हैगी
माशाल्लाह खुराक भी बहुत ज्यादा मिली है क्योंकि दरिया का सारा पानी आते ही दरिया तो जा गया सीगा कि जो ज्यादा पानी आया सी माशाल्लाह ओरली साइड सरसों ही इन्होंने बीजी हुई है दरिया च माशाल्लाह खूब पानी आ गया है। बाकी जो पहले देखते थे पौधे हरे भरे वो सारे सुक गए ने क्योंकि सर्दियाँ आ गई ने तो हूँ उत्थे भी दवाने कटन मैं तो नहीं जान सोच रहे हैं कि चापन ने दवाने कट ली सुबह सुबह यकीन कर जो बंदा वैसे ही ना इतने छोटी जी कुली बना के पाए सामने बनी हुई है नेगे कुलियाँ तो यकीन कर जो सुबह सुबह बंदा उसका दिमाग फ्रेश हो जाता है जो हरियाली हरियाली जितनी इतने नहीं होती लेकिन धुंध वगैरह तो बेचने यकीन कर घूमन फिर बड़ा मजा आता है सुबह सुबह तो पत्थर कुछ आ बचे ने गए तो गवर्नमेंट ने सटवाए तो बहुत ज़्यादा सीगे इतने पत्थर लेकिन सारे लुड़ गए अभी भी क्रॉस कर लिया है चाचू रिक्शे पेट्रोल खत्म हो गया है सामने पेट्रोल डलवा रहा है तो इन्हों की माशाल्लाह वेखो रहन सहन अगे अगे इन्होंने अपनी गाय लाई हुई पिछे पिछे अपनी रेहड़ियाँ से नहीं गए तो नाल डॉगी रखे होने हिफाजत वास्ते तो वापसी तो ना तानू मैं दरिया राधी भी खाना वैसे तो भी खाया गबरे जी नहीं तानू खाया और इंशाल्लाह चल वापसी तो खावगा क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा सी पता नहीं क्यों फैमिलियाँ बड़ी घूमन फिरन आई सी क्योंकि पानी कुछ ज़्यादा ही आ गया है आ भी जाओ तो ज़्यादा तो नहीं पावन लग गया उस बाकी फिर असं आहिस्ता आहिस्ता अगर चलें शहर जी असं आ गए हैं सब तो पहले जाके चेंज करना है उस तो बाद फिर टैलों वगैरह उतों वापसी से जाते हुए लै जावे पिछले ही रोड से ही दुकाना नहीं है माशाल्लाह पाकिस्तान की साफ सफाई चल रही है अच्छा काम होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान मिट्टी बहुत ज़्यादा है कि सड़क साइडा से गंद मचे हुए नहीं मैं तो चाहना कि पाकिस्तान इतना साफ सुथरा होगा कि जी हालत आदि ने मेरी होगी ना एक किसी की भी ना हो असं एक पिंड रहने पिंड मिट्टी और ज़्यादा होती है बाकी चलने उठे बाकी मेरा ही ख्वाब है कि मैं ना नवी दसवीं इतने कॉलेज करता शहर आके क्योंकि यकीन कर इतने पढ़ाई बड़ी वी आई पी हैगी उत्तर साढ़े स्कूलों के इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं है प्राइवेट कॉलेज ने गए पढ़ाई इतने बहुत ज़्यादा है लेकिन फीस भी बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकने ऐसे हो जाते तो पढ़ नहीं रहा मैं वाली मार्केट आया लेकिन इतने सारा कुछ बंद हैगा क्योंकि रेल गड्डी आ रही है सामने तुम दुकाना आ गया लाइटा बन रही ने सामने ही खड़ी है बस तो उन्होंने सवारियां लगनिया ने उस बाद फिर आ बाकी शुक्र हैगा कि गड्डी उत्थे चल भी हैगी तो आई है दुकान से आ गया तो इन्होंने अबू जान ने पहले गलबात कर ली क्योंकि अबू जान के बड़े पक्के दोस्त बन गए दरवाजे दुकान से जी असं आ गए हैं तो अबू जान ने इन्होंने पहले गल कर ली सी क्योंकि उन्होंने दोस्त बन गए ने गए एक तरह के पहले ही इन्होंने को दरवाजे लाए थे हूँ भी उन्होंने को लेने तो चेंज करके देन लगे ने कि साहब चाचू ने मिस्त्री लिख के दिता है वही लै जाना है वा तो माशाल्लाह डिजाइन जड़े ने गए दरवाजे और प्यारे प्यारे आए पे ने गए अंदर बहुत प्यारे देखो है छोटे पता चुकाठा बनी हुई बाकी दरवाजे इन्होंने दुकान तो जरा है शहद पै नहीं गए तो कह रहे हैं कि साढ़े जेडे पिछे है ना गोदाम इन्हें दुकान से शहद के दरवाजे पै नहीं इन्हें दुकान से शहद के दरवाजे पै नहीं तो अपने गोदाम चक देन लगे ने गए चलने उतू लदवा फिर चले जावे
वैसे तो इन्हें दो मंजिला बनाया उत्ते भी इन्होंने दरवाजे पैन लेकिन कह रहे हैं शायद नहीं इतने साढ़े को मौजूद है चक दें उधरों कि इतने आया सानू अज पता लगा है दरवाजे की असल मार्केट कही हैगी हैगी इतने वैसे बनते नहीं है दरवाजे के देने लगे ने उधरों एक दरवाजा मिलया सीगा छोटा तो एक दरवाजा इधरों मिलेगा क्योंकि इस साइड उधरों दूसरा दरवाजा नहीं मिलया तो फिर आके ले लवेंगे तो हम फिर चलने बस स्टैंड लैके तो घर वापस कि इतने अगे आया माशाल्लाह जावन तो अभी वापस लगे से लेकिन मैंने इतने मच्छियां नज़र आई हैं छोटिया छोटिया नहीं बहुत प्यार लेकिन भाई महंगी बड़िया ने हाँ जी नहीं नहीं तो फिर व्यूअर की है ना बस उन्होंने थोड़ी घनी हेल्प की जिंद ने ले आएगा लेकिन तेन चाहिए है यार थोड़ी सस्तियाँ करनी है मेरा दिल किया है अढ़ाई सौ का ओके हो गया अगे अगे आई जाओ आला पंद्रह सौ का हज़ार का जोड़ा हैगा है बड़ा प्यारा है जोड़ा बाकी ए, 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 की, किने दे जोड़ा है जोड़ा यार इन्हें को सस्ते कार ले लवांगा मैं भाई तू रोजाना इतना आना यही है सुबह परसों तक तो होगा ना चलो ठीक है टहला दुकान से ही आ गए चाचू रिक्शे वाला भी आ गया है तो इतो लें टहला अस्सलाम वालेकुम बाकी महंगी इतने बड़िया चीज़ा नहीं है पहले दिन में दिखाइया सीगियाँ 8500 रुपए की कली टूटी टूटी 15000 रुपए का कला बेसन है अच्छी चीज़ है यह बहुत मैं पसंद है लवावे इन शाला आ गए ने ਕੀ ਚਾਚੂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਟਹਿਲਾਂ ਚੱਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੇ ਬਾਈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਚੂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਸਲ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਖੋਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰੈਕਟ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ 5 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 9 ਵਜੇ ਤੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ कि मैं शहर के रहा ना सारा दिन तो मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा वेखी आई तकरीबन मैं कर लो तकरीबन 60 to 70 गड्डिया वेखिया ने गिया विह वाली इस तरह सजदियाँ पे जिमें सामने सजा रहे हैं पता नहीं क्यों शहरों के होना है सीजन पिंडा तो खत्म हो गया शादियाँ सीजन होने आ गया शहर शहर बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं एक दिन के मैं ना 150-200 शादी हो रही है अगे आया एक चीज़ ने खिंच के मैं इधर ले आता तो चीज़ हैगी ये कला अम्मी जान इन्होंने ये नहीं बनाया है नाल पूरा फर्नीचर इन्होंने बनाया है लेकिन महंगा ही बहुत ज़्यादा है मैं लागू पालिश नहीं होगा पालिश तो बाद बहुत ज़्यादा प्यारा बन जाना लेकिन अम्मी जान लगे है कि कला है इधर रेट पूछा उसे छाते रखा लेकिन मैं इधर जो बेचिया बड़ा महंगा होना तकरीबन 3 to 4 lakh रुपए का है आप बड़ा दिल किया क्योंकि माशाला देख सकते हो कितनी कारीगरी ने बनाया उन्होंने तो कुर्सियाँ वगैरह बहुत प्यारिया बनी पी अंदर ही बहुत प्यारे वेखो सी डिजाइन आए ना उन्होंने बेड वगैरह बनाए हुए हैं
ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਤ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਛੱਲੀਆਂ ਇਹੀ ਹੁਣ ਲੈ ਖਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਚਾਚੂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਚਾਚੂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਰਗੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਕਰਗੰਜੀ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ ਹੈਗੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਹਲਦੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਵਣ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਆਹ ਦੋ ਬਾਰਡਰ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਟਾਇਰ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਦੋ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਨੇਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਾਇਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੋਟੇ ਵਗੈਰਾ ਥਲਾਣੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੁਕਾਠ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰਚੀ ਚੱਕਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਖੋਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖੋਦ ਹੀ ਪਾੜ ਲਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਜ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਕੋਤੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਗ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ